और यहाँ सांसद बनता है तो वो बड़ा विधानसभा क्षेत्र के सहयोग बहुत से बनता चालीस वर्षों से यहाँ जनता कांग्रेस पार्टी का साथ देते आई है। कांग्रेस ने हमेशा इस क्षेत्र को छोड़ा, इस क्षेत्र में कोई बात नहीं हुआ। यहाँ के कार्यकर्ताओं के सहयोग राज्यपाल से मैं आज तीसरी बात कर रहा है, यहाँ पर सुना है हमेशा हमने सांसद महोदय के सामने क्षेत्र की समस्याओं को रखा और उन्होंने इस क्षेत्र के बारे में कभी ध्यान नहीं दिया। आज हमारे यहाँ का किसान बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा, हमारे यहाँ का किसान दूसरे जिलों में जाकर काम करता था, सरपंच सरपंच चला रहा। मेरा आपसे निवेदन है, अध्यक्ष से निवेदन है कि आशीर्वाद और सहयोग यहाँ के आने वाले क्षेत्र तथा समाज से भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और मैं चाहता हूँ कि आप छिंदवाड़ा जिले में अगर आप शुरुआत विकास की शुरुआत अगर छिंदवाड़ा जिले में आप लोग करें तो इसकी आधारशिला भी आप अमरवाड़ा विधानसभा में करें। आज कांग्रेस हमेशा से कहती है कि हम धर्म का साथ नहीं देते और आज प्रत्याशी के तौर पे कांग्रेस ने साबित कर दिया कि हम खुद झूठ बोलते थे। 40 वर्ष इस क्षेत्र में कांग्रेस का बहुत सहयोग किया, आशीर्वाद दिया, बहुत ध्यान दिया और जब जनता जनार्दन के काम नहीं हुए, इस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ तो जनता जनार्दन ने लोकसभा में जवाब दे दिया। तो मेरा आप सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि आप लोग धरना लगा के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं को गांव गांव और घर घर तक पहुंचाए ताकि हमें इस योजनाओं में भारी बहुमत मिल सके और आशीर्वाद प्राप्त हो सके। मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ कि आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से अमरवाड़ा विधानसभा की जनता जनार्दन ने तीसरी बार अपने देश का प्रधानमंत्री बनाया और मैं भी इस क्षेत्र से इस सरकार का विधायक रहा और आने वाले समय में सहयोग से पुनः आप मेरे साथ सेवा करके और आप के सहयोग से पुनः मैं जिंदाबाद,
मंच पर उसने इस क्षेत्र के लोग के सांसद जिनको आप सब लोगों ने चुनकर के लिए भेजा है और चित्रकला के घर को बुलाया है, ऐसे मेरे भाई मेरे बेटी सामने हमारे देश के सत्ता के अंदर जिनके
ये जो 332 बूथों का कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर एक सदर प्रहरी के नाते से उन्होंने पूरे छिंदवाड़ा लोकसभा में और अमरगढ़ विधानसभा में काम किया, तो मैंने कहा दिल्ली के लोगों को एक ही कमाल करने वाले लोग हैं वो कौन है, प्रत्येक बूथ का कार्यकर्ता इन्होंने कहा। अगर हमने देश के अंदर इतिहास बनाया तो आज ये जनता का क्या पर है। और कांग्रेस साजी, मैं आज आपको कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की कोई ताकत है तो एक बार बताइए भारतीय जनता पार्टी की ताकत है जिससे जीते हैं। तो कबाल करने वाला कोई है तो 332 बूथों का बैठा हुआ ये काम करता है। और पूरे मंच को मैं कहना चाहता हूं विवेक भट्टी साहू जी, शेषराज जी, संतोषिया जी, उत्तम जी, भैरवनाथ जी, सभी हमारे दर्शकों बैठे हैं, हमारे सभी यहां पर जो लोग हैं, मैं आप सबको कहना चाहता हूं आज मैं आश्वस्त हूं और इन कार्यकर्ताओं का उत्साह देख करके कहता हूं कि आप सब लोगों की इतनी ताकत के साथ उपस्थिति और आपका उत्साह कहता है कि आपने लोकसभा के अंदर तो अमरवाड़ा 15,000 से जीता, इस बार अमरवाड़ा विधानसभा 51,000 से जीतेंगे। बोलो मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों, 51,000 से जीतेंगे बट
ये भारतीय जनता पार्टी के पंचायत में जब मैं गांव छोड़ गया छिंदवाड़ा के अंदर आया था तब मैंने पंचायत में पूछा तो कहा भाई इस पंचायत में 150 घर मिले तो मैं सभी कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं एक गेट हमें जाना है आप छोड़ देना ये घर किसका है ये घर किसी का है तो कोई कांग्रेस के अपने से नहीं बचाया हर घर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीबी योजनाओं का हितग्राही बैठा है कोई प्रधानमंत्री आयुष्मान है कोई उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन हमारे भाइयों बहन को मिला है तो मुझे बताओ मेरे बहनों भाइयों हमारे मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहनी योजना जिनको 1,000 में 1,500 रुपए 1,250 रुपए मेरी हर बहन के घर में जाता है नहीं जाता है अरे ताकत से बताओ जाता है नहीं जाता हर घर में लाडली बहन बैठी है हर घर में लाडली बच्ची बैठी है हर घर के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 5 किलो हर गरीब को कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा ये अगर किसी ने भारत के अंदर इतिहास बनाया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर गरीब को 5 किलो अन्न देने का काम बोलो मेरे बहनों भाइयों किया है कि नहीं किया है हर गरीब को मिलता है कि नहीं मिलता है तो ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है और आज अगर छिंदवाड़ा में कमल खिला है और अमरवाड़ा में 15,000 से जीते हैं तो ये कमल इन गरीब कल्याण अन्न योजना की ताकत से है तो एक एक कार्यकर्ता को सम्मेलन होंगे सभाएं होंगी लेकिन मेरा अनुरोध है राजनीति लोग एक एक कार्यकर्ता को जो मैंने दिल्ली के लोगों को कहा कि हम छिंदवाड़ा लोकसभा कैसे जीते तो एक एक कार्यकर्ता ने एक एक बूथ पर सजग प्रहरी बन करके बोल खड़ा हो गया लोगों ने पूछा कि देश प्रभावित हो गया लेकिन मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा को प्रभावित नहीं हुआ तो मैंने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं ने हर बूथ पर झंडा दे करके कमल का झंडा लगा करके खड़ा हो गया प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इतिहास बना दिया तो हर बूथ का चुनाव चुनाव केवल कमलेश साहनी लड़े बंटी साहनी लड़े या बैठा हुआ एक एक कार्यकर्ता जो हमने 332 बूथों में से लोकसभा में 196 बिखरे 196 बूथ जीते हैं 196 पर कमल खिला है एक हमें संकल्प लेना है मेरे कार्यकर्ता भाइयों बहनों मुझे जरा ईमानदारी से बताना हम 332 के 332 बूथ जीतेंगे या नहीं जीतेंगे ये संकल्प लेना है हम आज उस पर कमल खिलाएंगे और इतनी बड़ी ताकत किसी राजनीतिक दल के पास है क्या पता है क्या किसी दल पर नहीं भैया यही हमारी मूल ताकत है ये मेरी बहन कभी एक एक घर में जाओ लाडली लक्ष्मी लाडली बहन कन्यादान पता नहीं कितनी कितनी योजनाएं सब पर क्या लाइन लगाने की आपको बताएंगे कितनी योजनाओं से लाभ हर घर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राही बैठे और वही हमारा सबसे बड़ा फायदा वही उनको सबसे बड़े जिताने वाला आधार है तो मेरे कार्यकर्ता भाइयों बहनों मैं आज आप सब कार्यकर्ताओं को कहने के लिए आया हूं ये चुनाव गंभीरता से किसी भ्रम में नहीं रहना क्योंकि झूठ बोलने वाली ताकतें कुछ भी कहेंगी आपको एक एक बूथ पर साइलेंटली चुनाव करना है अपने बूथ जीतना है आप संकल्प लीजिए पंडित क्या करेंगे फलाधिकारी क्या करेंगे लोग करेंगे लेकिन मुझे अपना बूथ जीतना ये संकल्प अगर हमने ले लिया
अपने आप को विश्वास करो। आज कितनी प्रचंड ताकत यहाँ दिखाई दे रही है, चुनाव जीतने के बाद फिर मैं आपके बीच आऊंगा, आप मुझे कहेंगे कि आपने भूत के बारे में कहा था, हमने भूत ताकत के दिया है, आपका सम्मान करने का काम आपका प्रदेश अध्यक्ष करेगा। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, मोदी जी का नेतृत्व, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, और विवेक पट्टी साहू अब आपके सांसद बन गए। विवेक भैया, आज से तय कर लो, अमरवाड़ा विधानसभा की जनता के लिए, यहाँ के कार्यकर्ताओं के मानव सम्मान के लिए, हर कीमत पर जनता के साथ खड़े होने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। और कांग्रेस साहब, मेरे भाई जो यहाँ से कांग्रेस के विधायक रहे थे, लेकिन यहाँ पर विकास को अवरुद्ध कर दिया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये जबलपुर की सरकार दिल्ली में मोदी जी से बात करके और मध्य प्रदेश के अंदर डॉक्टर मोहन यादव और पंडित साहू से लेकर बैठा हुआ नेतृत्व है, अमरवाड़ा के अंदर विकास की गंगा बहाने का। और इसलिए पानी की बड़ी समस्या है, मैं बुंदेलखंड का सांसद हूं, बुंदेलखंड में जब मैं चुनाव लड़ा था तो एक ही आवाज उठी थी, सांसद आप बन जाओगे लेकिन केवल पानी उपलब्ध करा देना। तो मैं आज अमरवाड़ा के लोगों को कहने के लिए आया हूं, मैं जहां से सांसद था पानी की समस्या थी, मोदी जी को मैंने बताया बुंदेलखंड में पानी चाहिए। आज आपको मुझे कहने का गर्व है, इसी महीने मोदी जी उद्घाटन करने आ रहे हैं 44,605 करोड़ की केन विद्या का प्रोजेक्ट बुंदेलखंड में मोदी ने दे दिया। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं आज आपको कहना चाहता हूं, हर नहीं के अंदर अमरवाड़ा जो जलाशय हमारा है, अमरवाड़ा में जलाशय के निर्माण के लिए पवोरी जलाशय, और आज मैं कहना चाहता हूं बटका थापा में और सुरला थापा, इन चार स्थानों पर सिंचाई की सुविधा और पीने के पानी की सुविधा की जरूरत है। मैं आज आपको विश्वास मोदी जी से बात करनी पड़ेगी तो मोदी जी से, जनशक्ति मंत्री से करनी पड़ेगी, मंत्री साहू कहते हैं जनशक्ति मंत्री से, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुझे कह दिया है, मैं उनके बिहार पर आपको कह रहा हूं, इन चारों जलाशयों में हम हर कीमत पर इन जलाशयों का निर्माण करके पानी उपलब्ध कराते हैं। यह गरीब का पानी है, अभी तो लेकिन मैं आज आपको विश्वास दिला के जा रहा हूं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, अटल बिहारी वाजपेयी ने हर गांव को सड़कों से जोड़ा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना माननीय प्रधानमंत्री मोदी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू की थी, आज गांव और सड़कों से जोड़ा है, नहीं जोड़ा है, अरे क्या बताओ, गांव और सड़कों से जोड़ा है, नहीं जोड़ा है, हर गांव सड़कों से सड़क पर पहुंचे हैं। ये प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती, मोदी जी हरियाणा राज्य, तो मोदी जी ने नाम से दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, गरीब माँ का बेटा देश का प्रधानमंत्री है, तो हर गरीब घर में गांव गांव में प्रधानमंत्री का संकल्प है, जल जीवन मिशन में हर घर को नल और हर घर को जल पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे। पीने के पानी की सुविधा, सिंचाई की सुविधा, ये हमारी जवाबदारी है, डॉक्टर मोहन यादव भी आएंगे, आपसे बात करेंगे, लेकिन एक एक कार्यकर्ता भाइयों में मैं कहना चाहता हूं, एक एक घर में कह देना, हमारी गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है, ये भाजपा सरकार की गारंटी है, अमरनाथ विधानसभा के चारों जलाशयों का निर्माण करने का काम हम करेंगे, चाहे किसी भी कीमत पर हो। मेरे गौरव साथी,
विद्या महाविद्यालय की बात हो या अगर बड़ा के अंदर पीजी क्लास शुरू करने की बात हो, इसकी चिंता करने का काम हम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और इसलिए मेरे जनता पर भाइयों बहनों, आज मैं कहना चाहता हूं विकास के मामले में किस क्षेत्र के अंदर जो भी जरूरत होगी वो तमिलनाडु की सरकार है तो वो हम ही करेंगे। हमारा विधायक होगा तब तो विकास होगा। हमारे पास पर्याप्त टाइम है और एक बात और मैं कह रहा
ये कांग्रेसी को झूठ बोलते, सरकारी झूठ बोलने का रिकॉर्ड किसी के नाम है नहीं के नाम, ये ढंग पे है ये क्या कहेंगे? कांग्रेस का चुनाव चिन्ह तो वही है तुम्हारा, अब इनका चुनाव चिन्ह क्या है? तो हमारे घर में कमल का फूल पहुंचा दो, कोई घर में नहीं आ जाए, कमल कमल कमल, हर घर में कमल, हर गली में कमल, हर मोहल्ले में कमल, हर गांव में कमल, तो घर घर में कमल का फूल लेकर के आप जब पहुंचेंगे और घर घर संपर्क करेंगे, इतनी बड़ी ताकत अगर मैदान में उतर जाए तो मैं आपको विश्वास के साथ कहूंगा, केवल कोई आपको खुश करने के लिए बोल रहा हूं नहीं, ये मुझे कॉन्फिडेंट है। जब अमित शाह जी मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ने आए थे, वो रणनीति की तैयारी कर रहे थे, लोग कह रहे थे मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बनेगी, यहाँ पता नहीं क्या है, यहाँ तो सरकार नहीं बन रही है, तो अमित शाह जी ने कहा कि कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करूंगा और चुनाव जिताएंगे, प्रत्येक ऊपर कमल खिलेगा, खिलेगा।